रामा रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन तुहाडे सामने एक अच्छी ते बड़ी ज़बरदस्त बड़ी वधिया वीडियो लैके हाज़र होया, जिहड़ी कि शुगर वास्ते बड़ी बेहतरीन और शुगर नूं भी ख़त्म करदी है और नाल नाल ये कब्ज़ नूं भी ख़त्म करदी है। और उम्मीद है कि यह वीडियो तुहानूं अच्छी लगेगी। इहनूं तुसीं लाइक करियो, इहनूं शेयर करियो, इहनूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। और वीडियो के नीचे जो एक बैल का निशान है उन्होंने भी लाजमी दबाना है ताकि अगली नवी वीडियो आने वाली आसानी जी ना वो आसानी नाल मिल सके। तो नाजरीन जी तुम देख रहे हो यह तीन आइटम है, तीन आइटम का बड़ा बेहतरीन और बड़ा ज़बरदस्त बड़ा ही वधिया बड़ा अच्छा ये मरकब है और ये बड़ा ही ज़्यादा का अजमूदा है, यानी कि काफ़ी पुराना नुस्खा है। तो इंदा अच्छा रिजल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। यह तुसी देखो यह जी पहली आइटम है, यह हिंजल है, इसनों अंदरायन भी कहा जाता है। यह खुश्क फल है, और ये सबज जरा फल है बिल्कुल जरा सब्जी माइल हों उद पक्न के आता है, खरबूजे की तरह लगता है, लिहाजा खुश्क हो के ते सामने आते बीज जड़े ने भी शुगर वास्ते बड़े ज़बरदस्त ने, लेकिन बीजा का अलहदा जरा ना वो साड़ी वीडियो एक अपलोड हो चुकी है जी कि मोटापे वास्ते भी बेहतर है। और दूसरी आइटम तुसी देख रहे हो कि यह तुखम सरस ने, तुखम सरस, और इसका भी बड़ा ज़बरदस्त बड़ा अच्छा तो बड़ा वधिया जड़ा ना ये फार्मूला है और ये बड़ा अच्छा इन्हों का रिजल्ट है। हालांकि इस पौधे दे फलियां का एक अलहदा होर फार्मूला है जिहड़ा कि असी अपलोड कर चुके हैं उन्हों का कवाम कढ़ के, लेकिन वो कवाम का एक अपना रिजल्ट है और ये जो खुश्क बीज ने इन्हों का एक अलहदा रिजल्ट है और जो एक फार्मूला बनाया जाता है उसका एक अपना ही रिजल्ट हों, अपना ही फायदा हों। और जे सरस के बीज ने इनू इस दरख्त को पंजाबी दे विच शरीं भी कहा जाता है, ये शरीं के बीज ने। जिस तरह कि इनू मैं दसना याद नहीं रहा, मैं तुम्हें दसदा जावा कि इसनों तुम्मा भी कहा जाता है, बल्कि है ही तो मैं। और ये शरीं के बीज ने, इन्हां दे होर भी बहुत ज़्यादा फायदे ने। वैसे तो ये लेडीज हजरात वास्ते भी इस्तेमाल होंदे ने, लेकिन जदों एक मरकब बनाया जाता उनका अपना रिजल्ट होंदा है। और यह तीसरी आइटम तुसी देख रहे हो, इनू समक अरबी भी कहा जाता है, और ये किकर दी गूंद है। यानी कि इनू किकर दी गूंद भी कहा जाता है, इनू बबोल दी गूंद भी कहा जाता है। और ये बहुत ही अच्छा और बड़ा वधिया ये फार्मूला है और ये सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं। और इन तिना चीज़ों का बराबर वजन लेना है, बराबर वजन लैके उन्हें अच्छी तरह कुटना है, उन्हें कुट के तो इनू कपड़ छान करना है, कपड़ छान करके इन्हों फिर मिक्स करना है। मिक्स करने तो बाद 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को निहार मूँ पानी दे नाल लेना है। इस दे इस्तेमाल दे नाल अगर मोशन ज़्यादा आन, अगर पुटकियाँ लग जा, इनकी खुराक जी ना वो कम कर देवे, यानी कि 5 ग्राम की बजाय फिर 2 ग्राम इस्तेमाल कर ले, क्योंकि इस दे जिहड़े इंद्राइन ने इस दे नाल बाद कत उनकी शिकायत हो जाती है। लेकिन ये जरा मरकब बनाया हो सकता कि इस दे नाल ना भी पोटियां लगन, लेकिन एक जिस बंदे का
ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵਰਕਾਤੁਹ।